के लोगों ने कुर्बानियां पेश की, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबने अपनी अपनी कुर्बानियां पेश की। लेकिन दूसरे तो अपने लोगों की कुर्बानियों का तस्करा करते हैं, हम बहसीयत मुसलमान अपने लोगों की कुर्बानियों का तस्करा क्यों नहीं करते? हमें गिनती के चंद नाम याद है, गिनती के चंद नाम याद है, 10 उंगलियां खत्म नहीं होंगी लेकिन नाम खत्म हो जाते हैं, सिर्फ चंद नाम। लेकिन पूरी एक तहरीक है। सबसे पहले फतवा दिया किसने? सबसे पहले फतवा दिया किसने? एक आलिम ने, आजादी के लिए। और तहरीके शहीदैन में कौन? उलमा। और दिल्ली से बंगाल तक सारी कुर्बानियों का पूरा सिलसिला उलमाए किराम। और आप देखें ये काला पानी की सजाएं जो दी गई किसको दी गई? अंग्रेजों के हवाले अगर आप लें, अंग्रेज मुअर्रिखीन के हवाले अगर आप लें, तो अहले हदीस उलमा की कुर्बानियां जगह जगह हैं। आप काला पानी नामी किताब पढ़ो, आप और दीगर किताब पढ़ो जो W.W. हिंटर नाम के मुअर्रिख ने लिखी है, आपको पूरी एक तारीख मालूम होगी कि कैसी कैसी मशक्कतें बर्दाश्त की हैं। काल कोठरी में, जिसे हमारी जबान में कहा जाता है, बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। बसा औकात 4x6 की जगह में या 4x4 की जगह में दो दो तीन तीन लोगों को रख दिया गया। यही रहना है, खाना है, यही सारी जरूरतें पूरी करनी है, यही पेशाब पखाने के मरहले से गुजरना है। और खाने के नाम पर क्या दिया जाएगा? एक रोटी, थोड़ा सा साग। रोटी भी कैसी? उसमें 2/3 बाल है, मिट्टी है, थोड़ा सा उसमें जो है कोई गेहूं का जौ का हिस्सा मौजूद है। ये खा खा करके हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां पेश की हैं। और हमारा अपना बेटा, हमारा अपना भाई, हमारी अपनी बहन स्टेज पर स्पीच देते हुए नाम लेती है फला का, फला का, फला का, और नाम लेते हुए मुसलमानों का तस्करा नहीं आता। ये बड़े अफसोस की बात है। हम सभी को जानना चाहिए कि जंग आज़ादी में हमारे उलमा ने, मुसलमानों ने क्या कुर्बानियाँ पेश की हैं। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।